बिहार में कोरोना के दूसरे लहर में जिस तरीके से मौतों को लेकर तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे थे, मौत के आंकड़ों को लेकर कहा जा रहा था कि यहां पर आंकड़े छुपाए जा रहे हैं और इस पर अब मुहर लग गई है। दरअसल बीते दिनों स्वास्थ्य विभाग ने एक आंकड़ा जारी किया जिसमें यह स्पष्ट हो गया कि बिहार में जो आंकड़े बताए जा रहे थे वह झूठ थे। करीब 70% मौतों का मामला जो है वह दबा दिया गया था। हालांकि इस लापरवाही को लेकर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो खुलासे हुए हैं इसको लेकर अब सरकार निशाने पर है। सरकार पर जोरदार प्रहार कर रहे हैं विपक्ष के तमाम नेता और ऐसे में पप्पू यादव ने भी एक बार फिर से नीतीश कुमार को घेरा है। उन्होंने जो ट्वीट किया है आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। पप्पू यादव ने सीधे तौर पर लिखा है कि बिहार में मौत घोटाला, पटना में कल 1000 से अधिक लोगों की कोरोना से मौत की क्या है सच्चाई। कहा जा रहा है कि पहले मौत के आंकड़ों को छुपाया गया था, अब उन्हें जारी किया गया है। आखिर यह खेल किसका है? स्वास्थ्य विभाग में मौत के आंकड़ों का घोटाला कौन कर रहा है? तो पप्पू यादव ने जो ट्वीट किया है इसकी चर्चाएं होने लगी है। आखिर पप्पू यादव शुरू से ही इस मामले को लेकर सवाल उठाते रहे थे, बार बार आंकड़ों को लेकर सवाल पूछ रहे थे और ऐसे में अब राजद ने भी इस तरीके का ही बयान दिया है। राजद पप्पू के सुर जो हैं वह मिल रहे हैं इन तमाम मामलों को लेकर। जो आंकड़े सामने आए हैं इसको लेकर तेजस्वी यादव ने भी सरकार को घेरा है। आप वह ट्वीट भी देख सकते हैं। तेजस्वी यादव ने भी लिखा, नीतीश जी इतनी झूठ मत बोलिए और बुलवाइए कि उसके बोझ तले दबने के बाद कभी उठ ना पाए। जब फंसे तो एकदम से एक दिन में 4000 मौतों की संख्या बढ़ा दी। नीतीश सरकार मौतों का जो आंकड़ा बता रही है उससे 20 गुना अधिक मौतें हुई हैं। नीतीश सरकार ही फर्जी है, आंकड़े भी तो फर्जी ही होंगे। साथ ही साथ राजद के ऑफिशियल साइट पर भी ऑफिशियल ट्विटर आईडी से भी एक ट्वीट हुआ था इसको लेकर, जिसमें आप देख सकते हैं लिखा गया था, भ्रष्टाचार का कारोबार, आंकड़ों का बाजीगर और मौत का सौदागर, सब एक साथ मिल जाए तो तबाही यानी निश्चित होती है और बिहार में नीतीश कुमार और उनके खास बाबू यही काम कर रहे हैं। तो बिहार में जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बीते दिनों रिपोर्ट जारी किया गया वह बेहद चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई, जिसमें यह बताया गया कि दूसरी लहर में जहां पहले बताया जा रहा था कि करीब 5400 मामले मौत के थे, लेकिन अब जो रिपोर्ट सामने आई है जिसमें लापरवाही आप सीधे तौर पर देख सकते हैं कि जहां पहले कहा जा रहा था कि करीब 5400 मौतें हुई हैं, अब वह नए रिपोर्ट में बताया जा रहा है 9375 मौतें हुई हैं। स्वास्थ्य विभाग ने भी माना है कि ये गलती हुई है, उस वक्त जो आंकड़े पेश किए गए थे वह गलत थे, अब इसे सुधार किया गया है। कई वजह भी बताई गई है इन आंकड़ों के छूट जाने की। बताया गया है कि जो मौतें हुई हैं जिन्हें काउंट नहीं किया गया था इसके पीछे कई वजह है। कुछ लोगों कि मौत जो है वो होम आइसोलेशन में हो गई थी, तो कुछ लोगों ने रास्ते में दम तोड़ दिया था, तो किन्हीं को इलाज के लिए अस्पताल नहीं मिला था, तो ऐसे ही तमाम तरह की कई वजह बताया गया है स्वास्थ्य विभाग के तरफ से, जिसकी वजह से यह कहा गया है कि ये लापरवाही नहीं बल्कि कुछ विशेष कारणों की वजह से यह काउंट नहीं हो पाया था। हालांकि अब जो यह आंकड़े सामने आए हैं तो बताया जा रहा है कि इसको लेकर सीधे तौर पर विपक्ष के तमाम नेताओं ने सरकार को घेरा है। विपक्ष की तरफ से सीधे तौर पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि 70% मौतों को सरकार छिपा रही थी, लेकिन अब जब लगातार विपक्ष के नेता या फिर जिस तरीके से बार बार इस मामलों को लेकर सवाल उठ रहा था, सरकार फंसने लगी थी, तो एक बार फिर से जांच कराकर यह आंकड़े जो है वह पेश किए गए। हालांकि तेजस्वी यादव ने सीधे तौर पर यह दावा कर दिया है कि अभी भी 20 गुना ज्यादा मौतें हुई हैं और सरकार इन आंकड़ों को छुपा रही है। और पप्पू यादव ने तो सीधे तौर पर बिहार में मौत का घोटाला, इस पूरे मामले को, इस पूरे लापरवाही को मौत का घोटाला नाम दे दिया। देखने वाली बात होगी कि इसको लेकर आने वाले वक्त में क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आती है। तमाम अपडेट्स के लिए बढ़ रहे हेडलाइंस बिहार के साथ। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।